योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। और मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, और एक बार फिर से सरकार आपकी बनी उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास जताया और उनको सरकार बनाने का अवसर दिया, मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूँ। अच्छा मंत्री जी, अब विपक्ष को देखा जा रहा है, विपक्ष जो है 2027 को अब साध रहा है, तो दो क्योंकि अब वो मान रहा है कि देश की हम तीसरी बड़े पार्टियों में आ गए हैं और उत्तर प्रदेश के नंबर वन पे आ गए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से विपक्ष अब अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि अब हम 27 में अब हमारी सरकार रहेगी, अब हम बना लेंगे, इसके लिए उनकी जो ये दावेदारी है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हर दल का अपना अपना नज़रिया होता है, हर दल का अपनी एजेंडा होता है, लेकिन हम लोग जो है 27 में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। हम लोग जो है मंथन करेंगे इस विषय पे, और मंथन करके हम अभी से 2027 की तैयारी हमारा संगठन और सरकार दोनों मिलकर करेंगे। क्या कुछ बदलाव रहेगा जनता के लिए 2027 में, जिस तरह से अब साधा जा रहा है, योगी जी अब एक्शन मोड में भी दिख रहे हैं, बताया जा रहा है कि योगी जी अब पुराने फॉर्म में दिखेंगे, तो ऐसे में जनता के लिए क्या कुछ नया रहेगा सर? देखिए, जनता के लिए तो जनता के बीच में तो हम लोग हमेशा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म हुआ है, माफियागिरी खत्म हुई है, बहन बेटी की सुरक्षा हुई है, धन संपत्ति की सुरक्षा हुई है, हर आदमी सुरक्षित रहा है, पहले ज़मीनों पर कब्जा, प्लॉटों पर कब्जा, इससे सबसे मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, कानून व्यवस्था में बहुत मजबूत हुआ है उत्तर प्रदेश। सीधी केंद्र की सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना, सीधा खाते में जाते हैं, कहीं कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के किसी मंत्री पर आज तक आरोप नहीं लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 10 साल में केंद्र की सरकार, 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो नीतियाँ हमारी अच्छी हैं, जनहित की नीतियाँ हैं सभी। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और मंत्रियों से कराते भी हैं। हम लोग देखिए पार्टी के सिपाही हैं, मैं मंत्रीवाद में हूँ, पहले एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर के 27 की तैयारी में लगेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार 27 में हम लोग फिर बनाएंगे। कल कैबिनेट की बैठक थी सर, उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ बदलाव भी होगा? कई निर्णय जनहित के लिए कई निर्णय आए हैं और वो सब मीडिया के सामने प्रेस में प्रेस वार्ता की हमारे मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने, और वो सारी चीज़ें आ गई हैं। जनहित के लिए कभी भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कभी निर्णय लेने में कभी संकोच नहीं करते, कभी देर नहीं करते। तो बिल्कुल, देखिए मंत्री जी का साफ तौर से कहना है कि 27 जिस तरह से विपक्ष दावा कर रहा है उसके लिए बीजेपी की भी खास तौर से तैयारी है, और 27 में जो चीज़ें जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो जनता जो रूठी हुई है उनको मनाने की भी पूरी तैयारी है, और 27 की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पाले में जरूर ले आएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।